রাজ্যে রাজা ये राजू मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। राजू राजू को देखे। ओ पापी जी, राजू कहाँ है? राजू वो तो काम में गया। क्या हुआ? नहीं हुआ, नहीं होने वाला है, इसीलिए उसको ढूंढ रहा हूँ, देखता हूँ उसको। अरे वो देखो, शाम जा रहा है। अरे शाम सीधा है बेचारा, भोला ही कहो। अभी खेत सारा चला गया बीवी की बीमारी में, और सर पे कर्जा वैसे ही कम नहीं है बेचारे के। ओए राम सिंह, राजू कहाँ है? वो पल्ले है सर जी। सी फुल धर्मपुर फ्रॉम हियर। ओ जी मैं दिखाऊंगा आपको फुल डे। सी दैट पॉइंट, शिवजी टेम्पल, शिवलिंग। लिंग सर जी, शिवजीज लिंग, वेरी पवित्र, डू पूजा ऑफ इट इन इंडिया। नमः शिवाय, नमः शिवाय, वेरी वेरी पावरफुल। ओए राजू, राजू राजू राजू, चल चल चल। किधर किधर किधर? ओए हरनी को सवेरे से दर्द हो रहा है, 2 घंटे से पूरा धर्मपुर में तेरे को ढूंढ लिया। तूने कहा था ना अपनी गाड़ी में बिठा के अस्पताल लेके जाएगा हरनी। चल चल, रुक जा रुक जा। अबे देख तो सही, अंग्रेजी टूरिस्ट मिले हैं, कितने दिनों के बाद मिले हैं। यारा डॉलर मिलेंगे, डॉलर मतलब तू आज तूने कहा था ना। और सही कहते हैं लोग, अरे पहाड़ी यारा किसका, खाया पिया किसका। देख अगर अभी तू नहीं चलेगा ना, जिंदगी भर बात नहीं करूंगा मैं तेरे से। सर, इंडियन प्रेग्नेंट वुमन, पीट से डिलीवरी फॉर द फर्स्ट टाइम फ्री में। क्या कहती हो ईशा बेटा, तुम्हें भाई चाहिए या बहन? बहन। What is your name, Angel? बता बता अपना नाम बता, जल्दी से पूछ रहे हैं। श्याम। अरे श्याम तेरा नहीं भाई। बेटा अपना नाम बता, बेटा अपना नाम बता। My name is Isha Rawat. Thank you. You are the most amazing and charming kid I ever seen in my life. I wish we could adopt her. ओए भाग खुलने जा रहे तेरे श्याम, कह रहे हैं कि क्या ईशा उनके साथ उनके घर चलेगी, हैं? गोद ले लेंगे इसे। बस बस राजू, यही है डॉक्टरनी का अस्पताल। आजा अरनी, आजा जल्दी से आराम से आजा। ओ सवेरे से दर्द हो रहा है। रुको, रुको। क्यों क्या क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? चूड़ी उतारने की कोई जरूरत नहीं है। Thank you.
ज्यादा सोचिए मत श्याम जी, खर्चे बहुत है। अस्पताल का खर्चा, दवाई का खर्चा। ये सब हम अपने लिए नहीं, आने वाले के लिए कर रहे हैं ना। छोटी बहन आने वाली है, पता नहीं वो कैसी होगी, हाथ ना तेरे जैसे और ना तेरी जैसे। पर वो रोएगी नहीं, हंसती रहेगी और मैं उसे हंसाऊंगी। तो अनाथ है। अनाथ? बेटा जिसके माँ बाबा नहीं होते वो अनाथ होता है। अनाथालय से है ईशा, उसे वहीं ले जा रहे हैं। जिसके माँ बाप नहीं होते उन बच्चों को वहीं ले जाते हैं। माँ बाप को रोक कर क्या मिलेगा, शुक्र मना मैं मिल गई। देख तेरा सुसु पोटी तो मैं पोछ लूंगी, आंसू नहीं पोछने वाली। यहां से बाहर जाएगा अपने आप चुप हो जाएगा। <laughs>
देखो जी, अपनी ईशा के लिए हम लाए हैं ये। मेरी छोटी बहन के लिए क्या लाए? अरे बुद्धू, वो अभी ये थोड़ी ना खा पाएगी, वो तो अभी बड़ी छोटी होगी ना, उसके लिए क्या लाए हैं ये है। और देखो 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 देखो, वो इतनी छोटी होगी? छोटी तो होगी, अभी अभी आई है आपकी छोटी बहन, तो छोटी सी है। श्याम जी, डॉक्टर जी क्या हुआ? लड़की। हाँ देखा, आप कहती थी ना आपको एक और बहन चाहिए, भगवान जी ने आपको एक छोटी सी अच्छी सी बहन दी है, प्यारी सी। एक प्रॉब्लम है। सब ठीक हो जाएगा अर्नी। कुछ नहीं होगा तेरे को। माँ, मैंने इसका नाम ईरा रखा है, प्यारी सी छोटी सी ईरा। बहुत गर्म है, मुझे खीर अब भी चाहिए। बस ईरा, बस एक मिनट रुक जा, अभी खीर बन जाएगी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए खीर, काटती। एक मिनट ईरा, बस एक मिनट। ये लड़की भी ना, आज हीरा का जन्मदिन है माँ, मैंने खीर बनाई है जैसे आप मेरे लिए बनाती थी। ईशा, हाँ बाबा, जरा देख बच्चे, ईरा को ये पिल्ला काटी नहीं। हाँ बाबा, मैं संभाल लूंगी। ईरा रुक रुक रुक, मुझे स्कूल जाना। ईरा जिद नहीं करते। नहीं नहीं, मुझे खेलना है। माना कर ईरा। नहीं नहीं, मेरी इच्छा नहीं। मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। नहीं, मुझे तो खेलना है।
मुझे खेलना है। मेरी ईशा मुझे खेलना है। नहीं ईरा, हर बात पे जिद मत किया कर, वरना मैं तुझे पहाड़ के पीछे छोड़ाऊंगी। वहाँ क्या है? वहाँ अनाथालय है, जहाँ उन बच्चों को छोड़ा जाता है जिनके माँ बाप नहीं होते। अनाथालय? पर मेरे तो बाबा है ना? हाँ है, मगर तू ऐसे जिद करेगी ना तो बाबा चले जाएंगे। बाबा 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 मुझे छोड़ के मत जाओ बाबा, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी बाबा, पक्का बाबा मुझे छोड़ के मत जाओ आप। मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूं बच्चे, मैं तो बस। अब गौरी को कहाँ ले जा रहे हो? बेचने। क्यों? मैं वहीं से काम पे चला जाऊंगा। ईरा का ध्यान रखना। चल गौरी चल, बस इतना ही साथ था हमारा तेरा। चल 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 चल, बस इतना ही था। अरे हाँ, मुझे स्कूल भी तो जाना है और तुझे खीर भी खानी है। अच्छा चल। एक चम्मच, दो चम्मच, तीन चम्मच, चार चम्मच। मेरी ईशा मुझे कहानी सुनाना। अच्छा तो मेरी ईरा कहानी सुनेगी? कौन सी वाली? फास्ट फास्ट वाली या स्लो स्लो वाली? फास्ट फास्ट वाली। हाँ अच्छा सुनो। एक दफा एक लड़की थी, नाम था उसका ईरा। बड़ी बदमाश थी, प्यारी थी और अपने बहन से बहुत प्यार करती थी। देखने में बहुत ही सुंदर थी, बिल्कुल अपनी माँ जैसी, और उसके बाबा उससे बहुत प्यार करते थे। रोज अपनी बहन के साथ स्कूल जाती थी और स्कूल में उसकी दोस्ती एक बहुत बड़े पेड़ से थी। ईरा के चुटकुले सुनने और उसके साथ खेलने कुत्ता बिल्ली और सारे जानवर आ जाया करते थे। और बाकी की कहानी ईशा कल सुनाएगी, ठीक है? पर कुत्ता बिल्ली कहाँ है? बस अभी ईरा की खुशबू ये पेड़ हवा में उड़ाएगा और ईरा की खुशबू मिलते ही कुत्ता बिल्ली और सब आ जाएंगे। ये सेब ईरा के लिए है, कुत्ता बिल्ली और गिलहरी के लिए नहीं। मैं जाऊं?
ईशा तुम्हें याद किया क्या? आज निम्बन याद करके आना था ना? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। सोचा था सवेरे सवेरे उठकर याद कर लूंगी, लेकिन आज वो ईरा का जन्मदिन है ना, और फिर पापा ने आज गाय भी बेच दी। अब क्या होगा? पता नहीं, भाग जाऊं? टीचर जी देख लेंगे। टीचर आ गई। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाओ। आज हम अपना समय बर्बाद ना करते हुए सीधा आज के विषय पर आते हैं। निबंध, वाचन। मनीषा, मेरा घर। वेरी गुड। काजल, मेरा कुत्ता। वेरी गुड। गीतिका, नानी का पिटारा। ये तुमने लिखा है? माँ ने लिखवाया है। ठीक है ठीक है, कम से कम गीतिका ने सच तो कहा। सच कहने के लिए हिम्मत चाहिए। ईशा, तुमने क्या लिखा? ईशा बेटा बोलो, किस पे लिखा है निबंध? मैं माँ पर बोल सकती हूँ। तुमने लिखा है? नहीं, पर मैं बोल सकती हूँ माँ पर। टीचर, इसकी तो माँ नहीं है। ये कोई हंसने की बात नहीं है। ईशा बेटा, तुमने लिखा नहीं तो तुम बोलोगी कैसे? मेरी माँ का नाम हरिनी था। वो बहुत सुंदर थी और वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। चेहरा चूमकर सुबह जगाती थी और लोरी सुनाकर रात सुलाती थी। पर एक दिन वांजिनों ने अपने पास बुला लिया पर वो मुझे एक छोटी बहन देकर गई, ईरा। माँ से माँ, माँ से मैं, माँ से ही हूँ मैं, माँ से ही बनना चाहती हूँ। यादें हैं कुछ माँ की, बस जैसे सबकी होती है। आज नहीं है पास वो मेरे, पर मुझे कोई कमी नहीं है। याद कर लेती हूँ उनको जब भी अकेली होती हूँ। छोटी सी कोमल सी सुंदर सी सोनल सी सपने सी अपनी सी माँ। बेटा इधर आओ। ईशा बेटा, मुझे तुम पे गर्व है। बच्चों, परसों हमारे स्कूल का वार्षिक महोत्सव है। एक खास अतिथि चीफ गेस्ट भी आएंगे और तुम सबके माता पिता और गांव के जाने माने लोग भी आएंगे। और ईशा बेटा, तुम्हें उन सब के सामने स्कूल की तरफ से यही निबंध सुनाना होगा। स्कूल के वार्षिक महोत्सव पर मैं और भी बातें जोड़ूंगी अपने निबंध में। आखिर लाउडस्पीकर में सारा गांव मेरी आवाज सुनेगा। मेरी ईशा इतने जोर से बोलेगी कि कान बंद करने पड़ेगी ईरा को। अरे नहीं ईरा, मैं थोड़ी ना जोर से बोलूंगी, वो माइक ही जोर से बोलता है। मेरी ईशा, तू
खाना नहीं खाएगी? खाऊंगी ना, पहले बाबा आ जाए, बाबा के आने के बाद खाऊंगी मैं। पर तू जल्दी से खाना खा ले और मुंह हाथ धो के सो जा। हाँ। ठीक है। राजू, तुझे पता है इस पूरे गांव में ना तू जो है ना, बस तू ही एक अपना दोस्त है। कोई यारा है यारा, बस बस, और कुछ नहीं, कोई है ही नहीं। अच्छा मुझे ये बता कि आज तूने गौरी को बेच दिया? बेच दिया और पैसे दे दिए। किसको? वो प्रताप सेठ को। प्रताप सेठ को लात मार दी। मतलब नौकरी गई? देख, मैं पहले भी तुझे कई बार कह चुका हूँ, आज फिर से कहूंगा, श्याम शादी कर ले फिर से, अपने लिए पत्नी, बच्चों के लिए दूसरी माँ ले यार।